नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे टायर रोटेशन क्या है और उसे कैसे किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टायर रोटेशन क्यों करना पड़ता है, टायर रोटेशन चीज क्या है और टायर रोटेशन कैसे किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कि आखिर टायर रोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो व्हीकल के अंदर जो फ्रंट व्हील्स है उसके साथ नॉर्मली स्टीयरिंग सिस्टम अटैच होती है, तो स्टीयरिंग सिस्टम की जो स्टीयरिंग मूवमेंट है उसके कारण पिछले व्हील्स के मुकाबले फ्रंट व्हील्स के ऊपर ज़्यादा वियर लगता है। इस सिचुएशन को कहा जाता है अनइवन वियर। अगर दूसरे केस की बात की जाए तो नॉर्मली व्हीकल के अंदर फ्रंट व्हील्स के अंदर दिया जाता है पॉजिटिव कैम्बर, तो पॉजिटिव कैम्बर भी व्हीकल के जो व्हील्स है उसकी आउटसाइड एज के ऊपर ज़्यादा वियर सब्जेक्ट करती है। अगर तीसरे केस की बात की जाए तो अगर व्हीकल फ्रंट इंजन ड्राइव है या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उस सिचुएशन के अंदर इंजन अगर आगे होगा तो व्हीकल के फ्रंट व्हील्स जो है वो ज़्यादा वेट कैरी करेंगे, जिसके कारण फ्रंट व्हील्स के ऊपर ज़्यादा वियर लगेगा। तो इन सभी अनइक्वल वेटिंग के सिचुएशन के कारण जो व्हीकल है उसके आगे के जो दो व्हील्स है वो पिछले के मुकाबले जल्दी घिस जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर पीछे के व्हील्स जो है उसे भी आगे के व्हील्स के साथ बदलना पड़ेगा। तो ये चीज़ कम करने के लिए टायर रोटेशन किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि टायर रोटेशन क्या है। तो व्हीकल के चारों टायर्स है उन टायर को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की जो मेथड है उस मेथड को कहा जाता है टायर रोटेशन। और नॉर्मली टायर रोटेशन 5000 किलोमीटर से लेके 15000 किलोमीटर के बीच में किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है टायर मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि टायर रोटेशन आखिर किस तरह से किया जाता है। तो पहले दोनों जनरल मेथड देख लेते हैं। तो पहली मेथड के अंदर फ्रंट दोनों टायर्स को रियर दोनों टायर्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। अब इस केस के अंदर फ्रंट लेफ्ट टायर रियर लेफ्ट टायर के साथ एक्सचेंज होगा और फ्रंट राइट टायर रियर राइट टायर के साथ एक्सचेंज होगा। अब अगर दूसरी मेथड की बात की जाए तो इसके अंदर जो टायर्स है उसे क्रॉस चेंज किया जाता है, यानी कि फ्रंट लेफ्ट टायर रियर राइट टायर के साथ एक्सचेंज होगा और फ्रंट राइट टायर रियर लेफ्ट टायर के साथ एक्सचेंज होगा। तो अब बात करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल के टायर रोटेशन की। तो इस केस के अंदर जो दोनों फ्रंट टायर्स है वो पैरेलली पीछे चले जाएंगे, जबकि जो रियर टायर्स है वो क्रॉस चेंज होके फ्रंट में आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स की। तो इसके अंदर जो दोनों रियर टायर है वो पैरेलली आगे आ जाएंगे और जो आगे के दो टायर्स है वो क्रॉस चेंज होके पीछे चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं फाइव व्हील टायर रोटेशन की, जिसके अंदर हमने स्पेयर व्हील को इंक्लूड किया है। अब इस मेथड के अंदर जो स्पेयर व्हील है वो प्लेस लेगा फ्रंट राइट टायर का, जो फ्रंट राइट टायर है वो जाएगा रियर राइट टायर की जगह पे, जो रियर राइट टायर है वो जाएगा फ्रंट लेफ्ट टायर की जगह पे, जो फ्रंट लेफ्ट टायर है वो जाएगा रियर लेफ्ट टायर की जगह पे, और जो रियर लेफ्ट टायर था वो जगह लेगा स्पेयर व्हील की। तो अब बात करते हैं रियर व्हील ड्राइव के लिए। तो इस सिचुएशन के अंदर जो स्पेयर व्हील का टायर है वो चला जाएगा फ्रंट राइट टायर की जगह पे, अब जो फ्रंट राइट टायर था वो जाएगा रियर लेफ्ट टायर की जगह पे, अब जो रियर लेफ्ट टायर था वो जाएगा फ्रंट लेफ्ट टायर की जगह पे, अब जो फ्रंट लेफ्ट टायर था वो चला जाएगा रियर राइट टायर की जगह पे, अब जो रियर राइट टायर बचा है वो चला जाएगा स्पेयर व्हील के टायर के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।